हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल ऑफ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को पता है कि ये वीडियो सीरीज मैं क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा, उसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, और उसका नाम है ब्लड प्रेशर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लड प्रेशर। आप सबको पता है कि जो प्रेशर ब्लड लगाएगा, the pressure which is exerted by blood against the wall of the arteries, जो प्रेशर ब्लड लगा रहा है अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज, आप ऐसा कह सकते हैं द प्रेशर एक्सर्टेड बाई ब्लड, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं प्रेशर और फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है आपको, लगाएगा कौन फोर्स? ब्लड किसके अगेंस्ट लगाएगा? अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। तो इस तरीके के प्रेशर को हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब हम लोग जानते हैं कि जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल, इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग इसको मेजर करते हैं। तो पहली बात तो ये, हम लोग उसको जब मेजर करेंगे वहां पे हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। और जैसे हम एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन की अगर बात करें तो हम लोग ब्लड प्रेशर बोल देते हैं 120/80 mmHg, दैट इज मिली मर्क्यूरी। अब ये जानते हैं कि ये 120 और 80 को ऐसे क्यों लिखा, मीन्स सिस्टोलिक ऑब्लिक डायस्टोलिक लिखेंगे या डायस्टोलिक ऑब्लिक सिस्टोलिक, विच मेथड विल बी करेक्ट? तो हम पहले सिस्टोलिक वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे देन डायस्टोलिक। अब स्टूडेंट्स, इसमें मुझे ये भी जानना जरूरी है कि सिस्टोलिक में जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है या रिलैक्सेशन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब सिस्टोलिक की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे हार्ट के चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, देयर विल बी प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन चैम्बर्स ऑफ हार्ट। और अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें डायस्टोलिक की, तो डायस्टोलिक में होगा रिलैक्सेशन, देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ हार्ट। इस तरीके से जब भी हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पहले सिस्टोलिक को लिखेंगे देन ऑब्लिक डायस्टोलिक। कभी कभी क्या होता है, ये तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर है, समटाइम्स ये वैल्यू वेरी करती है। कभी कभी ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ये बढ़ जाता है, या कब समटाइम्स इट विल डिक्रीज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ही कंडीशन से यहाँ पे होंगी। तो स्टूडेंट, जब कंडीशन ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। आप सबको पता है हाइपर मींस बढ़ जाना और टेंशन वर्ड यहाँ पे ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है उससे वैल्यू बढ़ रही है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। और अगर लो जा रही है देन दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड एज हाइपो। हाइपो मींस इट विल लोअर्स डाउन द वैल्यू। अब हम लोग ये जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग इस ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे, और वो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है मर्करी पे। सम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आर आल्सो अवेलेबल नाउअडेज। तो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, जो बेसिक यहाँ पे फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, विच इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। सो यू कैन राइट दिस इंस्ट्रूमेंट नेम, दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन मेजर ब्लड प्रेशर। हियर विल बी वाई आल्सो इट इज मिसिंग, स्फिग्मोमैनोमीटर। So this is the proper instrument with through which we can measure blood pressure. So this is all about blood pressure. In my next video, I will discuss about how we will detect normal heartbeat, and there are some machines through which we can measure the heartbeat rates. So I hope this video will be helpful for your studies and it will update your knowledge also. Sometime question will come in 1 marks in your board exam, like which instrument is useful for measuring blood pressure. In 1 mark this question can come. So you can remember this term, sphygmomanometer.
So this is all about today's lecture, students. Thank you very much. I hope we will meet soon. Bye bye. Take care.